हमने बल्लों का कंटेनर मंगवाया है ऑल द वे फ्रॉम श्रीलंका। इन क्लेफ्स लाइक लकड़ी से हम 5000 से ज्यादा बेड्स बना सकते हैं, वो भी कोकोनट के। ये कंटेनर अनलोड होने के बाद माल सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे पाकिस्तान में। ये वीडियो फायदेमंद होगी शॉपकीपर स्पेशली फैक्ट्री ओनर्स के लिए। तगड़ी इन्फॉर्मेशन होने वाली है आज की वीडियो में। जाएगा जोड़िया बाजार में, साथ मौजूद होंगे मुस्तफा भाई जो कि हमें ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे कि इस क्लेफ को आप कैसे मंगवा सकते हैं। उन बोरों से ये क्लेफ निकली है, फिनिश क्लेफ आता है, एक अनफिनिश्ड आता है, इसमें एक मुकम्मल बल्ला आता है 7 बैंड 4 बैंड, और नीचे से गुलाई और वजन मैनेज करके इसका शेप तैयार करना होता है। फिनिश्ड और अनफिनिश्ड के अंदर डिफरेंस, ओरिजिनल जो कोकोनट साकी कोकोनट है, जितने भी कोकोनट के बल्ले हैं ना वो इसी लकड़ी से बनते हैं। हैंडल लगेगा, बहुत लाइट वेट है, ये कार्गो है, उससे आलकोट जाएगा। चाहिए हो कोकोनट बागेट रेडी टू प्ले बैट जेडी साकी जर्मन जो भी आपने जिए, इसमें वेट जो आपको 750 वाला भी मिलेगा, 750 वाला भी मिलेगा, 800 वाला, उसे अनफिनिश कहते हैं, लेकिन वो भी फिनिश ही है, अनफिनिश नहीं है। उसका जो बॉटम होगा ये पूरा इसका कटा हुआ है, गोल तला जिसे हम बोलते हैं तला गोल, शेप इसकी तला गोल वाली है, सारा कुछ 8-1 ए क्लास होगा माल, पूरे पाकिस्तान में आप डिलीवर कर देंगे। जी जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे व्लॉग बना रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू योर चैनल माय सेल्फ सिकंदर उमर। आज की वीडियो काफी मुख्तलिफ होने वाली है। यूजुअली मैं वीडियोस बनाता हूँ शॉप पे जाके, वहाँ जाके मैं रिव्यू करता हूँ शॉप पे, पूरा टेप बॉल बेस दिखाता हूँ, हार्ड बॉल बेस दिखाता हूँ, स्पोर्ट्स के दूसरे आइटम दिखाता हूँ, किट बैग भी दिखाता हूँ। लेकिन आज की वीडियो में हम लकड़ी दिखाने वाले हैं आपको, क्लेफ जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, 40 फुट वाले कंटेनर्स में इतनी लकड़ियाँ मौजूद हैं जिसमें हम 5000 कोकोनट के बल्ले बना सकते हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं एक गोदाम में, यहाँ पर ये कंटेनर से सारा माल उतरेगा, फिर ये सारा माल जाएगा जोड़िया बाजार में जहाँ से सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी। ये वीडियो किन के लिए ज़रूरी है देखना यार, देखो जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं वो देखें, क्योंकि उनको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगी और मुझे भी जैसे मिल रही है। दूसरा, ये वीडियो शॉपकीपर के लिए और फैक्ट्री ओनर्स के लिए ज़्यादा ये बेनिफिशियल साबित होगी, क्योंकि वो चाहें तो सस्ता माल यहाँ से उठा सकते हैं और सस्ते में कोकोनट के बूट के बेच बना सकते हैं। बाकी हम तफसीलात आपको देंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्तफ़ा भाई जो कि हमें ईच एंड एवरीथिंग बताएंगे कि इस प्लेट को आप कैसे मंगवा सकते हैं। अच्छा ठीक है, समझिए कंटेनर से उन बोरों से ये क्लेफ निकली, अभी इनके ऊपर हैंडल चलेगा और ये कंप्लीट कोकोनट का बेड बन जाएगा जो कि मार्केट में फिर जाके आप लेंगे 8000 12000 15000 16000 18000, कोई कोई तो 22000 का ही बेच रहे हैं। क्योंकि क्लेफ के बारे में ज़्यादा मुझे मालूम नहीं, तो हमें एक्सपर्ट बंदा चाहिए होता है, तो हमें मिला है अब्दुल हमीदुल्ला। हमीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या बताएंगे क्लेफ के बारे में, कौन सी लकड़ी है, क्वालिटी क्या है इसकी, और रावलाकोट में उसमें क्या फ़र्क है? कोकोनट ओरिजिनल, ठीक है, ओके। रावलाकोट और इसमें बहुत फर्क है, एक तो रावलाकोट का जो है ना वजन बहुत ज्यादा होता है, हाँ। और फिर उसमें हीट भी इतनी नहीं होती, भी नहीं होती। ये एक मोटाई इसकी उससे तकरीबन 2-3 गुना ज्यादा होती है, और इसमें हीट उसके मुकाबले में ना रावलाकोट से इसमें हीट बहुत ज्यादा होती है और लाइट वेट होता है, हाँ। ये बड़ा इसमें काफी लोग कहते हैं टूट जल्दी जाता है, ज्यादा लाइट वेट बैट अगर आप लोगे तो जाहिर है उसने टूटना है। इसकी मोटाई इतनी ज्यादा होती है, जब वजन कम होगा तो वो लकड़ी अंदर से फिर हो जाएगी पोकी, तो आप थोड़ा सा जो है ना वजनी बैट यूज करो, 820-830 ग्राम तक वो टूटता नहीं है, अच्छा चलता है वो। एक और छोटा सा सवाल है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कोकोनट ये ओरिजिनल? आइडेंटिफाई तो भाई जान, एक तो इसमें जो है ना सुराख भी नहीं होते, दूसरा अगर कलर ना हो तो फिर ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, इसके ऊपर कलर हो जाए ना फिर नहीं आइडेंटिफाई होगा। बगैर तैयार का ये 850-700 से लेके 850-900 ग्राम तक आता है, और तैयार करो तो 820-850 तक इसमें अच्छा बल्ला बनता है जो काबिल यूज होगा। एक ही क्वालिटी है या डिफरेंट डिफरेंट है? क्वालिटी है, डिफरेंट आती है, एक क्वालिटी नहीं होती। इसमें जो है ना एक फिनिश क्लेप आता है, एक अनफिनिश्ड आता है, फिर इसमें एक मुकम्मल बल्ला आता है 7 बैंड 4 बैंड, उसकी क्वालिटी और ज्यादा अच्छी होती है, तो वो प्रेस प्रेस फूड होता है। मैं पहली बार सुन रहा हूं ये फिनिश और सारी चीजें, मुझे नहीं पता, मुझे जानना है। अच्छा, फिनिश जो है ना उसका शेप बना हुआ होता है तकरीबन ही ना रंदा, उसको सारा जो है ना बनाया होता है, सिर्फ इसमें हैंडल और नीचे से गुलाई और वजन मैनेज करके इसका शेप तैयार करना होता है। unfinished? जो अनफिनिश्ड होगा ना वो ऐसे पट्टी टाइप होगी। तीसरा जो है ना 4 बैंड आता है इसमें, उसमें हैंडल लगा हुआ होता है। अच्छा। वो तकरीबन तैयार बैट होता है, लेकिन उसका जो है ना हम इधर हैंडल निकालते हैं, वो हैंडल यूज नहीं होता पाकिस्तान में, उसमें फिर हम कैन हैंडल लगाते हैं, और वो लकड़ी इससे अच्छी होती है, वो उसमें टूटता भी नहीं है और वो प्रेस्ड वुड होता है, वहां से प्रेस होके आता है, तो वो अच्छे इस्तेमाल हो सकते हैं ज्यादातर, उसमें टूटने की शिकायत भी नहीं आती। ये देखो फिनिश्ड और अनफिनिश्ड के अंदर डिफरेंस, इसकी मोटाई बहुत ज्यादा है, लेकिन ये अभी ये देखो यहाँ से बनेगा, इसको रंदा लगेगा, इसमें काफी काम है आगे से, इसकी शेप बनेगी, और ये तकरीबन बना हुआ शेप है, बस इसमें हैंडल लगना है और स्टिकरिंग होनी है बस। इसमें प्राइस डिफरेंस भी होता है कुछ?
नहीं, प्राइस डिफरेंट इसमें नहीं होता, प्राइस इनके तकरीबन एक होते हैं और उसके प्राइस ज्यादा होते हैं जो फोर बैंड और सेवन बैंड और 18 से दो तीन हजार फर्क नहीं होगा। नहीं, इनमें नहीं होता, ये अनफिनिश जो क्लिफ्ट है ना, हाँ। ये यही चीज है, इसी को बना के ये चीज निकालते हैं। ओरिजिनल जो जी कोकोनट साकी कोकोनट जितने भी कोकोनट के बल्ले हैं ना, वो इसी लकड़ी से बनते हैं। उस लकड़ी को अगर हम थोड़ा सा बनाएंगे तो वो ऐसी बन जाएगी। और सबके कट्टा रट्टा जो मुस्तफ़ा भाई हैं उनसे हम डिटेल में एक थोड़ी बातचीत करते हैं कि यार कैसे हम ये क्लिफ मंगवा सकते हैं। बस वो थोड़े बिजी हैं, वो फारिक होते हैं, मैं उन्हें बता देता हूँ। यार इनको जो लेबर वर्क काम कर रही है ना, इनको देख के मुझे बड़ा अंदर से कुछ फील हो रहा है, क्योंकि मैं भी ये काम कर चुका हूँ और वो भी रमज़ानों में। तो बहुत हार्ड होता है यार ये, इस इतनी धूप में 40 फुट का कंटेनर खाली करना। कोई अपने माँ बाप के लिए कमा रहा होगा और कोई अपने बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए अपना उसके हलाल कर रहा होगा। अल्लाह ताला इन सब की रोजी में बरकत दे और इनकी ज़िंदगी आसान करे, से आमीन। बिग थम्स अप फॉर देम, बड़ी मेहनत करते हैं यार अपनी फैमिली के लिए भी। जी वालेकुम सलाम सिकंदर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी देर के बाद आपको टाइम मिला हमारे। जी जी, आई एम सॉरी आपको वेट करना पड़ा। बहुत ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है श्रीलंकन कोकोनट क्लेफ्ट, तो उसी के लिए जो है हम ये मंगवाते हैं। और ये श्रीलंका से इंपोर्ट होती हैं और मेरी मंथली जो है वो आप ये समझें कि 4,000 से 5,000 एवरी मंथ ये आ रही होती हैं और ये सियाल से जाती हैं सियालकोट। अब मुझे ऑलमोस्ट 1.5 ईयर हो गया यहाँ पे ये काम किए हुए, 1.5 साल। और ये आप देख रहे हैं ये फिनिश क्लेफ्ट है, ये इसमें यहाँ पे हैंडल लगेगा और इस पर फिनिशिंग होगी और फिर ये रेडी टू प्ले होगा बिल्कुल। देखिए मैं एग्जैक्ट आपको प्राइस तो वो अभी मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि जो है हमारा क्वांटिटी बेस्ड काम होता है ये। तो ये है कि आप ये समझें कि जब ये रेडी टू प्ले होता है तो ये मिनिमम जो इसकी होलसेल प्राइस होती है दैट इज़ अराउंड 6,500 मिनिमम प्राइस होलसेल में। और आपको पता है कि जो रिटेल जो बिकता है वो 12,000-15,000 तक भी बिकता है। क्लेफ्ट सब का यही होता है, क्लेफ्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। इसमें जो मेन चीज़ होती है वो शेप होता है और वेट की बात होती है। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये काफ़ी लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है ये। जितना लाइट वेट होगा उतना ज़्यादा उसका प्राइस होगा। मैं होलसेल, मेरा जो टारगेट है वो ज़ाहिर है वो होलसेल ही है और मेरा जो तकरीबन 90% जो कार्गो है वो सियालकोट जाएगा फैक्ट्रीज़ में। यस, फैक्ट्रीज़ में जाएगा ये। देखें ये 500 और 1,000 की, किसी की 2,000 की लॉट होती है, इस तरह से होता है ये। मैं यूजुअली एंटरटेन भी फैक्ट्रीज़ को ही करता हूँ। अगर कोई 6 या 7 जितने भी बैट्स अगर किसी को चाहिए तो वो मुझसे बिल्कुल रब्ता करें। मैं उनको जो मेरे सप्लायर्स हैं, आई मीन जो मेरे कस्टमर्स हैं जो क्लेफ्ट रेडी टू प्ले बैट सप्लाई करते हैं, जो मैं उनसे उनको कनेक्ट कर दूंगा और उनका काम हो जाएगा बिल्कुल। तो मुझसे कांटेक्ट करने का तरीका जो है वो मैं नंबर अपना लगा दूंगा इसमें, मुझे व्हाट्सएप कर लें एनी टाइम, तो उस पर मैं उनको एंटरटेन कर लूँगा। भाई जान ये कोकोनट बागड़ आ गई है, सियालकोट से मेरा ताल्लुक है और सादका बाड़ डिस्ट्रिक्ट रेंज आ रहा है। मेरी दुकान है विनर स्पोर्ट्स के नाम से, विनर स्पोर्ट्स के नाम से मेरी दुकान है। ये माल आज पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह, जिस भाई को भी चाहिए हो कोकोनट बागेट रेडी टू प्ले बैट जेडी साकी जर्मन जो भी आपने जीए एफ प्लस जो भी आपने लगाना हो, जो स्पीकर भी आपको चाहिए होगा जी, मैं खुद मैन्युफैक्चर करता हूँ सियालकोट में, अपनी फैक्ट्री है, वो आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। जी जी इंशाल्लाह हैंडल भी मिलेगा, 1 पीस हैंडल भी मिलेगा, वो 7 पीस हैंडल में भी मिलेगा, 5 पीस हैंडल वाला भी मिलेगा, जो उन आपको चाहिए। लेकिन ज़्यादातर यूजुअली जो इसमें यूज़ होता है ना वो 1 पीस हैंडल ही यूज़ होता है। जी जी 1 पीस हैंडल यूज़ होता है। रावला कोट भी मिलेगा, रावला कोट भी मिलेगा। जी जी रावला कोट में भी जो उनसे आपको क्वालिटी चाहिए, रावला कोट में हाफ केन है, फुल केन है, लकड़ी है, सारे रावला कोट में भी मिलेगा। तकरीबन 6,500 है, 5,000 नहीं है, ये 6,500 पीसेज हैं टोटली, ये डिवाइडेड हुए हुए हैं, 2-3 पार्टीज हैं। 6,500 बैट है लेकिन हर एक की अपनी मर्जी है, कोई ऐसे पीस रख के बेच देगा, कोई बैट बना के बेचेगा, वो ये जैसे जो कस्टमर की डिमांड होगी वो उसके मुताबिक चलेंगे। कोकोनट सारा माल पहुंच गया हुआ है, ये चेक कर सकते हैं,
इसमें वेट जो आपको 750 वाला भी मिलेगा, 750 वाला भी मिलेगा, 800 वाला भी, 850 वाला भी, 900 वाला भी, एटलीस्ट 1200 तक आपको मिलेगा। 1200 वाला जो पीस होगा ना, वो ये पीस हो गए, वो तकरीबन वो अनफिनिश, हम लोग उसे अनफिनिश कहते हैं, लेकिन वो भी फिनिश ही है, अनफिनिश नहीं है। उसका जो बॉटम होगा ये नीचे से 2.5 इंच बॉटम होगा, 2 इंच ऊपर से होगा रेगुलर, वो पूरा इसका कटा हुआ है, गोल तला जिसे हम बोलते हैं तला गोल, ये शेप इसकी तला गोल वाली है, सारा कुछ 8-1 ए क्लास होगा माल, इसमें कोई मसला नहीं है। जी जी, अभी बड़े भाई ये जोड़ियां बाजार जाएगा, इधर से सियालकोट वाला सियालकोट को जाएगा, रावलपिंडी वाला रावलपिंडी को, जी जी इधर से डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक बार हम कराची वाला जो जोरियां बाजार में जाएगा, सियालकोट वाला ये देखे ये अलग-अलग कर रहे हैं, ये मुल्तान वाले का भी माल है, इसमें मुल्तान जीएम स्पोर्ट्स का जर्मन स्पोर्ट्स वाला, उसका माल उधर जाएगा, जिधर भी आपको पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर डिलीवरी चाहिए होगी डिलीवरी भी करेंगे, कैश ऑन डिलीवरी पे भी हो, कम 2-3 दिन तो पहले बोले ना डिलीवरी में, कंटेनर आने से पहले इनमें ये तो सारा बुक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये सारा बुक है, ये आके क्योंकि ये हमारी पहले बुकिंग हुई हुई है, इसकी सारे की बुकिंग हुई हुई है इसमें, लेकिन अगली शिपमेंट भी 2-3 दिन तक दूसरा कंटेनर भी आ रहा है, जितना जिसको चाहिए होगा मिल जाएगा, माल मिल जाएगा, माल की टेंशन नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया था, एक पूरा कंटेनर अनबॉक्स किया है जिसमें बहुत सारी क्लिप थी जो कि कोकोनट वुड फैक्ट्रीज वगैरह में जाएगी, फिर यहाँ से बल्ला बनेगा पूरा प्रॉपर बल्ला, वो कोकोनट के बाद में स्टिकर लगेंगे, जैकफ्रूट बहुत सारे स्टिकर लग सकते हैं, वो कंप्लीट रेट आपको 12,000, 14,000, 6,000 आज तक पूरे पाकिस्तान में आप डिलीवर कर देंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि मोस्टली जो है इसकी जो फैक्ट्रीज हैं 90% फैक्ट्री सियालकोट में ही है। जी बिल्कुल, तो भी कुछ होता है कराची में, यहाँ पे जो है कोई एज सच मैन्युफैक्चरर नहीं है, कोई छोटे मैन्युफैक्चरर्स हों तो एक अलग बात है, लेकिन जो मेजोरिटी काम है वो सियालकोट में होता है मेजोरिटी। एक और सवाल कर लूँ, आपने मंगवाया कहाँ से? ये श्रीलंका से, ये श्रीलंका से आया। अगर हमें श्रीलंका से आ रहा है जी बिल्कुल, आप मुझे एक महीना पहले बताएं, तो कोशिश हम यही करते हैं कि 20-25 डेज में यहाँ पे माल आ जाए। इनसे रब्ता करना होगा, नंबर आपको नीचे मिल रहा होगा, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लें, आप पहुँच जाएंगे। शुक्रिया।